आज हम लोग इंडियन स्टील एसोसिएशन का एक डेलीगेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के साथ आज हम मिलने के लिए आए हैं। और उड़ीसा जो है भारत के अंदर स्टील बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी प्लेयर्स हैं स्टील के अंदर वो सभी उड़ीसा के अंदर इन्वेस्टेड हैं। इसलिए आज हम इंडियन स्टील एसोसिएशन का, मैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, उसके अनुसार जो है मैं आज आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कार्यभार संभाला है, उसके लिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए और अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए कि इंडियन स्टील एसोसिएशन, इंडियन स्टील इंडस्ट्री, हम उत्साहित हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उड़ीसा के अंदर, और हम आशा करते हैं कि उनके कार्यकाल के अंदर यहाँ पर और उद्योगीकरण होगा, यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स मिलेंगे युवाओं को, यहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा और यहाँ पर हम उड़ीसा के लिए हम और ज़्यादा योगदान कर सकेंगे। देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर उड़ीसा के अंदर पहले ही उड़ीसा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाई है 6 मिलियन टन का, और इस 6 मिलियन टन के प्लांट को हम अगले साल के अंत तक, अब से एक साल में हम इसको दुगना करने जा रहे हैं, इसको 12 मिलियन टन की कैपेसिटी कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा प्लान है कि अगले छः सात वर्षों के अंदर उड़ीसा के अंदर, अंगुल के अंदर, हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाएं 25 मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ। तो इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। देखिए, आज मुझे सौभाग्य मिला, आज यहाँ पर CV रमन इंस्टीट्यूट में मैं गया और ग्राम तरंग में मैं देखने के लिए गया, और मैं समझता हूँ कि पूरा देश उड़ीसा से बहुत कुछ सीख सकता है। मुझे खुद देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि किस तरह से CV रमन इंस्टीट्यूट के अंदर वो लोग, चाहे हाइड्रोलिक्स की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें और ऑटो मैकेनिक की बात करें, बहुत से वहाँ पर जो है सैकड़ों ट्रेड वहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, और बल्कि यहाँ से मैं अच्छी टेक्नोलॉजी जिस तरह से सिखा रहे हैं मैं हरियाणा में लेके जाना चाहता हूँ। और इसी तरह से मैंने ग्राम तरंग जो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर भी जाके देखा, तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। और उड़ीसा के अंदर ही कल्चर है, उड़ीसा में बहुत से पहले जो है लोगों ने इसमें बहुत रुचि लेकर के काम किया है। इसी तरह से किट्स भी है, इसी तरह से जो स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो यहाँ से जो है हम टाई अप करना चाहेंगे कि हरियाणा में अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी और उड़ीसा के अंदर भी, और जगह पे किस तरह से हम अपने युवाओं को, हम उनको और ज़्यादा स्किल्स दे सकें, और ज़्यादा ताकि वो कुशलतापूर्वक अपने काम को कर सकें।